हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करेंगे कि सुपरवाइज़र गल्फ में या यूएई के अंदर जो भी दुबई में है, कि सुपरवाइज़र हम लोग को बनने के लिए क्या करना चाहिए। कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आया कि हमको सुपरवाइज़र बनने के लिए क्या करना चाहिए। सही है, बहुत सारे इंजीनियर भी है हमारा दोस्त लोग, मेरा सब्सक्राइब लोग, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि हमको इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करें। सही है, देखिए भैया, मैं जो बोल रहा हूँ इधर का मेरा जो चैनल है, आप लोग को मालूम है, जितना आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है कभी छोड़ के जाएंगे नहीं, क्यों, हम जो बताते हैं फैक्ट बताते हैं। बहुत सारे चैनल है, उन लोग को बहुत सारा नॉलेज देता है, लेकिन इधर का ओरिजिनल जो फैक्ट है वो बात नहीं बताता है। सही है, मैं पूरा फील्ड के ऊपर हूँ और यहाँ मैं ज़्यादा साल से हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही आप लोग को बताता हूँ। सही है, क्योंकि आप लोग को गल्फ आने से पहले या कोई भी दुबई आने से पहले हर चीज़ आप लोग को मालूम हो आपका फील्ड का, जैसे आपको आने के बाद कुछ दिक्कत नहीं हो। ऐसे तो हर शहर प्रोजेक्ट में, हर कंपनी में थोड़ा बहुत अच्छा और बुरा रहता है, किस चीज़ का अच्छा होगा तो किस चीज़ में थोड़े से बुरा रहता है, जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको चलता है। हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हमको हमारा जॉब कैसा रहेगा और हमारा सैलरी, बाकी सब हम लोग छोड़ देंगे। थोड़ा मेहनत ज़्यादा कहीं करना पड़ता है कोई कंपनी में, कोई कंपनी में कुछ ऐसा मेहनत करना नहीं पड़ता। एग्जाम्पल जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप आएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आएगा तो आपको पूरा सुबह से शाम तक भाग दौड़ में आपको काम करना पड़ेगा, आपको आदमी को देखना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी लेना पड़ेगा, जो भी सुपरवाइज़र का काम है, ड्राइंग के बारे में, कंसल्टेंट के बारे में, इंस्ट्रक्शन कराने का, बहुत सारे काम रहता है। तो उसमें आप बिजी रहने का हमेशा थोड़ा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेंटेनेंस जो कंपनी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, आपको अभी ज़्यादातर जो लोग अपना मुल्क में है, आप लोग देख सकता है कि बहुत सारे जो हमारा कंसल्टेंट ऑफिस है गल्फ भेजने का, बाहर विदेश में भेजने का काम करने का, वो ऑफिस में ज़्यादातर इंटरव्यू जो हो रहा है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर हो रहा है, जो मेंटेनेंस कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है। सही है, तो अभी क्या है गल्फ में, ये हमारा जो पहले जैसा प्रोजेक्ट जितना बहुत ज़्यादा एक साथ में चालू हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंपनी काम कर रहा था, वो अभी नहीं है। सही है, तो अभी बहुत कम हो गया है कंस्ट्रक्शन, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनना, जिस वजह से कंपनी क्या क्या है, जो कंपनी पहले कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो कंपनी अभी कंस्ट्रक्शन का साथ साथ में एक फैसिलिटी मैनेजमेंट निकाल दिया है। जैसे बहुत सारे बिल्डिंग अभी बन गया है, दुबई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे बिल्डिंग बन गया तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस कौन करेगा, पहले इतना मेंटेनेंस कंपनी नहीं था, तो जो कंपनी वो बिल्डिंग का काम किया है या वो नहीं किया भी, कोई भी किया है, लेकिन फैसिलिटी मैनेजमेंट का वो एक कंपनी बनाता है, उसमें इंजीनियरिंग भी रहता है और हाउसकीपिंग भी रहता है और बाकी डिज़ाइन सब अलग अलग रहता है। जैसे फिट आउट कंपनी भी, उसका अंदर एक ग्रुप फिट आउट रहता है, जो जैसे आप जो फ्लैट हो गया 20 साल 30 साल हो गया, तो फ्लैट का दूसरा आदमी भेज के वो दूसरा उसका मुल्क चला गया, दूसरा जो लिया उसको वो रीमॉडलिंग करना चाहता है, उसका हिसाब से पुराना फ्लैट का हिसाब से वो नहीं रहना चाहता है, उसका अंदर पूरा डिज़ाइन चेंज करना, सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन रूम का अंदर जो भी है वो नया डिज़ाइन बनाना चाहता है। तो वो सब काम करने के लिए फिट आउट कंपनी बहुत सारे छोटा छोटा कंपनी खोल दिया है। सही है, तो अभी आप लोग को जो जॉब मिलेगा तो वो मिलेगा मेंटेनेंस और फिट आउट कंपनी में, ज़्यादातर आपको यही कंपनी का इंटरव्यू आपको होने का पता चलेगा और आप वही कंपनी का इंटरव्यू ही अटेंड करता होगा। सही है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी, जैसे अभी हमारा गल्फ में सऊदी में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और आगे और 5 साल तक बहुत चलेगा सऊदी का बात बोलेगा तो, क्यों, वो अभी पहले दुबई डेवलप कर रहा था, अभी वो करने के लिए उससे तो पहले भी था लेकिन अभी और बढ़ा रहा है। सही है, तो आपको सऊदी जाने के लिए कोई भी, दिल्ली में भी बहुत सारे दोस्त लोगों मेरे को पूछा हम लोग कैसे जाए, किसको कॉन्टैक्ट करें। देखिए भैया, जो इंडिया में है, जो दिल्ली में है, वो दिल्ली में ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस है, वहाँ पता लगा सकता है, और अच्छा ऑफिस जो लाइसेंस है उसी का थ्रू आना चाहिए, और जो कंपनी में आएगा उसका गूगल में उसको सर्च करने का, उसका सब कुछ चेक करके आने का, नहीं तो मेरे को जो दोस्त लोग मेरा साथ सब्सक्राइब में जो करके जो लोग देख रहा है उसको, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको सब लोग के पास है, मुझे एक मैसेज करने का कि भैया ये जो कंपनी है इसका इंटरव्यू आया है, इसका क्या है बेस, क्या है, क्या स्टैंडर्ड है इसका, इसमें क्या चल रहा है आज। पहले तो बहुत सारे कंपनी जो बहुत पहले अच्छा था लेकिन अभी वो लोग का थोड़ा सिचुएशन ख़राब हो गया है, जिस वजह से कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइम पे सैलरी नहीं देना या फैसिलिटी जितना दे रहा था उससे थोड़ा कम कर देना, या मतलब काम का थोड़ा और कुछ चेंज हो गया है, वो स्टाइल में चल रहा है, तो उसका बारे में मैं आप लोग को बता सकता हूं जितना मेरा नॉलेज के अंदर है। जो मेरा नॉलेज के अंदर नहीं है मैं आप लोग को बोलेगा या मैं कहीं से भी पता लगाएगा, गूगल से भी आप लोग सर्च करके आप लोग देख सकता है कंपनी कैसा है। सही है,
और बात यह है कि हम आएंगे कैसे गल्फ में, मुझे मालूम है बहुत सारे दोस्त लोग हमारा, अभी आप लोग को मालूम है ये हर साल कितना इंजीनियर निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर, मैकेनिकल का इंजीनियर, कितना सारा निकल रहा है। ज़्यादातर अब जो हमारा गल्फ कंट्री है ना उसमें साउथ इंडियन लोग पूरा कब्जा करके रखा है। कोई भी कंपनी में देखो, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा का पूरा आदमी इसमें है। वो लोग हर साल इंजीनियरिंग, सिर्फ उधर वो लोग का टारगेट रहता है हमको इंजीनियरिंग करना है और करने के बाद सीधा गल्फ कंट्री सीधा निकलने के, भले वो टेक्नीशियन में आ जाए, इंजीनियरिंग करके फिर टेक्नीशियन भी आ जाएगा, नहीं तो फोरमैन सुपरवाइज़र में आ जाएगा। इंजीनियर का पोस्ट भले नहीं मिले लेकिन वो लोग आ जाएगा। और इधर क्या करता है, 6 महीना 8 महीना 1 साल का अंदर वो लोग को पहले से जिसका इंजीनियरिंग है तो उसको थोड़ा ईजी होता है इंजीनियर इधर बनने के लिए। तो वो क्या करता है, इधर 1 साल 6 महीने का अंदर काम करने के बाद वो क्या होता है, इंजीनियरिंग पोस्ट में उसको मिल जाता है। और उसके बाद इंजीनियरिंग, जब आप इंजीनियर बनेगा, मिनिमम सैलरी आपका 5,000 यहाँ का होएगा। इधर का 5,000 अभी हमारा इंडिया का 1,10,000 से 20,000 जो करेंसी रहता है, अप डाउन थोड़ा रहता है हमेशा, चलो 1,20,000 पकड़ो। तो आप एक गल्फ कंट्री में एक इंजीनियर, वो डिप्लोमा का हो या बीटेक का हो, वो काम करता है उसको मिनिमम 5,000 मिलता है। अब 10,000 15,000 सैलरी वाला तो है, वो अलग है। उस वो किसको मिलेगा, जो जो आदमी के पास बीटेक होगा और वो 5 साल से ज़्यादा गल्फ में काम किया होगा तो उसको मिलेगा 10,000 से ज़्यादा सैलरी। लेकिन जो आदमी को सिर्फ बीटेक है और गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, काम का एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का, क्यों, इंजीनियरिंग का बाद प्रैक्टिकल जो होता है ना उसमें बहुत सारे नया नया काम और नया नया एक्सेसरीज और मटेरियल हम लोग को देखना पड़ता है, करना पड़ता है, जिसको हम लोग पहले किया नहीं, सही है। तो वो जगह पे क्या होता है, वो लोग को सैलरी कम देता है। जब वो लोग बीटेक करने के बाद इधर 5 साल काम कर दिया कोई कंपनी में या 2-3 कंपनी में मिल के, तभी उसका सैलरी बढ़ता है। मतलब बीटेक प्लस गल्फ एक्सपीरियंस, ये दो होगा तो कोई ना कोई कंपनी आप लोग को अच्छा सैलरी में ले लेगा, सही है, पहली बात। दूसरा बात, जो सुपरवाइज़र के लिए ट्राई करता है हमारा इंडिया में रह के या अपना मुल्क में जहीं भी कहीं भी रहता है, वो सुपरवाइज़र में ट्राई करता है, इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, लेकिन सुपरवाइज़र में वो ट्राई करता है, उसको सुपरवाइज़र का नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, कंपनी देखता है कि मेरे को काम उधर क्या है और ये इसको काम मालूम है नहीं है, सही है। आप इंजीनियरिंग तो बहुत सारे, अभी एक कॉलेज में हर साल कितना इंजीनियर निकल रहा है, हर साल निकलेगा तो 10 साल में कितना निकल गया, और 10 साल में तो इधर कंपनी डबल से नहीं हो जाता है, जितना है उतना ही है। जो कंपनी जितना इधर है वहाँ दिन का दिन कम रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पहले बहुत बड़ा कंपनी था, बहुत बढ़ रहा था, ज़्यादा कंपनी निकल रहा था, अभी कंपनी बढ़ नहीं आ रहा है, अभी सब छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। कोई कंपनी बंद भी कर दे रहा है, कोई कंपनी उसको छोटा कर दे रहा है। मतलब जैसे पहले 5,000 आदमी है तो अभी वो 3,000 रख रहा है, पहले वो 10 प्रोजेक्ट चल रहा था अभी उसके पास 2 प्रोजेक्ट है। तो वो हिसाब से क्या होता है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही है। तो मेरा बोलना यही है कि एक सुपरवाइज़र, आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि सुपरवाइज़र बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या टैलेंट हम लोग का अंदर होना चाहिए, सही है। कोई भी है हमारा जो दोस्त लोग या जो भी मेरा व्यूअर्स है, मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी लोग देख रहा है मेरा वीडियो, पहली बार बात आप ये समझ लीजिए कि आप डिप्लोमा करें या बीटेक करें, सही है, आपको कोई भी गल्फ में इंजीनियर का जॉब मिलेगा नहीं, सही है। आपको भले अपना मुल्क में मिल सकता है, इंडिया में मिल सकता है, नेपाल में मिल सकता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किधर भी आप लोग को श्रीलंका में मिल सकता है, लेकिन गल्फ में मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, हमारा एशिया का जो काम है, हमारा उधर वहाँ का जो काम है, यहाँ वो काम पूरा डिफरेंट है। भले 3 फेज आप बोलेगा, 3 फेज इधर है, इधर क्या 4 फेज थोड़ी ना है, सेम चीज़ नहीं है। इधर का काम का स्टाइल अलग है, इधर का सेफ्टी रिक्वायर का हिसाब से, इधर का जो म्यूनसिपैलिटी है, इधर का जो गवर्नमेंट है, वो लोग का जो कंडीशन रहता है उसी का हिसाब से करना पड़ता है। और यहाँ बहुत कॉस्टली पूरा, बहुत मतलब यूके का, इंग्लैंड का, बाहर देश का ज़्यादा मटेरियल इधर यूज होता है, बहुत ज़्यादा बाहर देश का यूज़ होता है, क्यों, यहाँ पैसा है सबका पास, जो भी बिल्डिंग बना रहा है, जो भी होटल बना रहा है, जो भी अपार्टमेंट बना रहा है, वो अच्छा मटेरियल ही लगा रहा है और अच्छा क्वालिटी का लगा रहा है। उसमें क्या होता है कि हम लोग तो पहले काम किया, लेकिन वो सामान पर हम लोग इतना डर नहीं लगा कि काम करने के लिए, इसको डर लगा, क्यों, वो सामान एक ख़राब हो जाता था, वो मटेरियल का ऊपर कुछ इश्यू हो जाता था, उसमें हमको ज़्यादा कंपनी को लॉस या हमको ज़्यादा भरपाई करना नहीं पड़ता था। यहाँ आपको एक मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, एक इक्विपमेंट आपका खराब, जैसे एग्जांपल मैं यूपीएस का बात बोल रहा हूँ, यहाँ यूपीएस जो है
वो फॉरेन कंट्री का यूपीएस है, सही है। वो यूपीएस को हम लोग इधर ख़राब करेंगे तो यहाँ का पैसा नहीं, डॉलर का हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंपनी को लॉस सहना पड़ता है, और वो लॉस भी कंपनी जो इंजीनियर ख़राब किया उसके ऊपर भी चार्ज लगा देता है, सही है। तो हमारा मुल्क में क्या होता है, जो हमारा लोकल में जो हमारा बनता है तो वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, डॉलर में या मिलियन में वो नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग को इतना टेंशन नहीं रहता है, हम लोग कोई भी काम सडनली हम लोग स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो सीनियर आदमी से थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा, सही है। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ है, मैं ओनली आपको यूपीएस का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे डीवी है, बहुत सारे हमारा जो एटीएस पैनल है, हमारा पीएलसी भी है, बहुत सारे मॉड्यूल है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम है, और डिमिंग सिस्टम है, बहुत सारे जितना भी है आपको सब अलग अलग फॉरेन कंट्री का ही मटेरियल मिलेगा, फॉरेन कंट्री का ही आइटम मिलेगा, ज़्यादातर इंडिया का भी है लेकिन ज़्यादा इधर फॉरेन कंट्री का हैवी कॉस्ट वाला अच्छा वाला ये लोग यूज करता है, सही है। तो मेरा बोलने का है कि एक सुपरवाइज़र हम लोग को बनना है तो हम लोग को मेंटेनेंस कंपनी में अभी जल्दी हमको चांस मिल जाएगा। मेंटेनेंस कंपनी में क्या होता है ना, अभी ज़्यादातर मेंटेनेंस कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट जो कंपनी है वो बहुत अभी दुबई में अवेलेबल है, और हर कंपनी का 2-3 महीना में एक इंटरव्यू निकल रहा है। अभी यहाँ लोकल के लिए वो यही है कि ये लोकल में जो आदमी लोग रह रहा है यहाँ से पहले वो लोग उठा रहा है, बाद में यहाँ जब वो लोग को नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो फिर वो कोई भी कंट्री में जाता है, जैसे इंडिया में भी जाता है, नेपाल में भी जाता है, दूसरा श्रीलंका कोई भी कंट्री में जाता है, वहाँ इंटरव्यू करके आदमी लेकर आता है। लेकिन हमको ये कंपनी में सुपरवाइज़र का पोस्ट अप्लाई करने के लिए हमको सिर्फ एक ही ट्रेड का काम मालूम होगा तो नहीं चलेगा। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है या इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, उसमें जो सुपरवाइज़र होगा उसको 3 काम मालूम होना चाहिए। MAP बोलेगा तो हमारा मैकेनिकल और हमारा प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का ऊपर ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ा काम होता है, बहुत रिस्क का काम होता है, उसका ऊपर इलेक्ट्रिकल का एक सुपरवाइज़र उसको और प्लम्बिंग और मैकेनिकल का काम सीखने के लिए पकड़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक मैकेनिकल का इंजीनियर है तो उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में जानने के लिए बहुत थोड़ा मुश्किल आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे जान जाएगा। इसके लिए क्या होता है ना, मेरा बोलने का यही है, मेरा चैनल में मैं प्लम्बिंग, HVAC और इलेक्ट्रिकल तीनों काम के बारे में मैं बताता हूँ। आप तीनों काम के बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिए, आपको आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, डिप्लोमा किया है, चलिए आप डिप्लोमा नहीं किया है, आपको आप बीटेक किया, बाद में उसके बाद आप प्रैक्टिकल भी कहीं भी काम किया ही नहीं है, आप इंडिया में है लेकिन काम किया नहीं है, तो आपका जस्ट आपका कंप्लीट किया है, आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हुआ है, और आप अभी सोच रहे हैं कि क्या करने के लिए, आप इंडिया में जॉब ढूंढेगा, आपको जॉब इंडिया में भी मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलेगा तो 15-20 हज़ार अंदर ही मिलेगा, लेकिन बाहर कंट्री आएगा तो आपको यहाँ का 3,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगा सुपरवाइज़र को, मिनिमम तो 3,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 भी है, लेकिन वो टैलेंट का ऊपर है, लेकिन स्टार्टिंग 3,000 से ऊपर मिलेगा, सही है। और कंपनी भी रहने का दिएगा, नहीं तो बाहर रहने के लिए बोलेगा तो आपको बाहर रहने के लिए जो अलाउंस है वो जितना खर्चा होगा वो पैसा देगा। तो मेरा बोलने का है कि 3,000 है तो हमारा इंडिया का 60,000 हो गया, 60,000 से भी ज़्यादा हो गया। आप लोग इंडिया में काम करेगा, कोई भी केरला में करो, तमिलनाडु में करो, आप बैंगलोर में करो, कहीं भी करो, तो आपको 60,000 इंजीनियर में सुपरवाइज़र में कोई भी नहीं देगा। सुपरवाइज़र का सैलरी 25,000 से कम है, सेम इंजीनियर का सैलरी भी वही मिलता है जो नया नया होता है, सही है। तो मेरा बोलने का है कि हम लोग वहाँ काम करेंगे और उसका बाद 2-5 साल उधर वेस्ट करने के बाद फिर गल्फ आएंगे, इससे अच्छा मेरा बोलना यही है कि आप अभी आपका इंजीनियरिंग ख़त्म है, आप सीधा क्या करिए, कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में या जो भी कंपनी मिल रहा है उसमें टेक्नीशियन में आ जाइए, आपको भले सुपरवाइज़र का काम ना मिलो, आप इंजीनियर हो लेकिन आपको सुपरवाइज़र का जॉब भी नहीं मिल रहा है, सही है। तो आप क्या करना है कि टेक्नीशियन में आ जाएगा, जब टेक्नीशियन में आ जाएगा, आप कंपनी में आ जाएगा, तो आप एक इंजीनियर है और आप टेक्नीशियन ट्रेड में आया, आपको सब लोग रेस्पेक्ट करेंगे, सब लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आपका जो सुपरवाइज़र होगा ना वो भी आपको रेस्पेक्ट करेगा। तो वो क्या काम देगा, आपको लेबर जैसा काम नहीं देगा, आपको डॉक्यूमेंट काम देगा, आपको सिर्फ काम कराना है, काम देख के आप भले टेक्नीशियन है लेकिन टेक्नीशियन के अंदर एक टीम लीडर होता है, पहले आपको वो पोस्ट दे देगा। तो आपको टीम लीडर में क्या करेगा, क्या क्या काम आदमी कर रहा है वो सब काम आपको देखना है, और उसका बाद में वो कैसे काम हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग क्या है, सेफ्टी क्या है, पेपर और डॉक्यूमेंट्स काम क्या है, वो सब आप 6 महीने के अंदर पूरा आपको मालूम हो जाएगा। उसका बाद क्या करेगा, जब आपको साइट आपको संभाल सकता है तो आपका इंजीनियर मैनेजर क्या करेगा, आपको वहाँ का सुपरवाइज़र बना देगा। तो आपको सुपरवाइज़र जब बन जाएगा तो आपको मिनिमम 3,000 से ज़्यादा सैलरी हो जाएगा, सुपरवाइज़र का 4,500-5,000 सैलरी होता है। मैं सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट वाला मैं बोल रहा हूँ, जो लेबर कैटेगरी से उठेगा उसका 3,000 सैलरी होएगा। तो देखिए कि आप 6 महीना बाद, चलिए 1 साल का बाद आप सुपरवाइज़र हो गया,
तो आपको 60,000 मिल रहा है, तो आप इंडिया में या अपना ब्लॉक में कितना दिन तक इंजीनियर सुपरवाइजर काम करेगा तो आपको 60,000 मिलेगा, ये बात सोचिए, सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को, मेरा साथ ये जो हुआ है यहाँ और जो मैं यहाँ किया हूँ, फैक्ट जो ये फील्ड में मैं हूँ, इसके लिए इधर का रियली बात मैं आपको बताऊँगा, सही है। तो मेरा बोलने का है, जो भी मेरा दोस्त है, आप लोग इंजीनियरिंग किया, बहुत मेहनत किया, बहुत आप लोग पैसा भी खर्चा किया, एक बीटेक इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे पैसा खर्चा होता है, बहुत सारे टाइम भी देना पड़ता है, बहुत सारे मेहनत भी करना पड़ता है, और उसका बाद फिर हम वही लेबर में आएंगे, तो इससे अच्छा इंजीनियर जो इंडिया में बैठा है वो क्या सोच रहा है कि वही लेबर में जब जाना है तो मेरे को इतना दिन और इतना पैसा, इतना टाइम, इतना मेहनत क्यों मेरे को करना पड़ा, क्यों मैं किया। देखिए भैया, मेरा बोलना ये है, आप यही सोच के 5 साल निकाल देंगे, आप यही बात को सोच के आप 5 साल निकाल देंगे, लेकिन वही बात आप भूल जाएंगे कि मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ। देखिए भैया, हम आज रोल है, आज आप एक एक्टर है और आप बढ़िया आप रोल कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको सिनेमा नहीं मिलेगा, फिल्म नहीं मिलेगा, सीरियल नहीं मिलेगा, आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप बीटेक इंजीनियर है, आप 10 साल गांव में ऐसा सोच के बैठेगा कि मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, मेरे को किधर जेई का इंटरव्यू देना है, या कि मेरे को जेई का किधर जॉब करना है, गवर्नमेंट का जॉब करना है, या बड़ा कंपनी में इंजीनियर का, ऐसा सोच के बैठेगा तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसे आपको 5-10 साल बेकार में चला जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान में ये नहीं रखने का, चलिए आपका जो मतलब जो क्वालिटी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो कोर्स है, जो टैलेंट है, वो आपका अंदर है, वो किधर गया नहीं, सिर्फ आपको आके इधर ज्वाइन करना है। देखिए अच्छा सा कंपनी, कोई भी, बहुत सारे कंपनी है फैसिलिटी मैनेजमेंट, मुझे पूछिए मैं बताऊंगा, यहाँ का 10-50 कंपनी का नाम मैं दूंगा, जो 50 कंपनी में आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू कब हो रहा है वो उसमें आप आ सकता है, उसमें आपको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा सैलरी भी मिलेगा स्टार्टिंग से। एक टेक्नीशियन आएगा तो वो 1500 दिराम में आएगा, एक टेक्नीशियन आएगा, एक इंजीनियर मतलब इंजीनियर लेवल का जो, जिसको एक इंजीनियर को इंटरव्यू करके, जो कंपनी इंटरव्यू करके उसको टेक्नीशियन में लेकर आएगा, तो वो उसको इतना कम सैलरी नहीं लगाएगा, उसको नॉर्मल लेवर से ज़्यादा सैलरी लगाएगा। तो नॉर्मल लेवर का सैलरी कितना होता है, 1100-1100 होता है इधर का। तो लेकिन जो इंजीनियर या सुपरवाइजर लेवल का आदमी को लेबर में लेकर, टेक्नीशियन में लेकर आ रहा है, वो 1500 उसको कैसे भी दिएगा, 1500 दिराम दिएगा, तो इंडिया का आपका 30,000-35,000 आपका हो गया। तो आप देखिए एक टेक्नीशियन का रेट, आपको इंडिया में एक इंजीनियर का भी उतना सैलरी नहीं मिलता है। 30,000 कौन देता है स्टार्टिंग में, जो स्टूडेंट है और मतलब रिसेंटली वो उसका कोर्स कंप्लीट करके वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, उसको 30,000 कोई दिएगा, 15,000 भी नहीं दिएगा। इंडिया में आपको जॉब मिलने तो बहुत मुश्किल है, और मिल भी गया 15-16 हज़ार बोलेगा, आप तो अभी स्टूडेंट है, आप जस्ट रिसेंटली आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, आपको काम का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको हम क्या करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस वाला चाहिए। ठीक है, आपको हमारा अभी आदमी ज़रूरत है और हम आपको हमारा कंपनी में ले रहा है, लेकिन हम इतना सैलरी दे सकते हैं, मतलब 15,000 आपको दिएगा, और वही जगह पर आप गल्फ आ जाएगा तो आपको 30,000 से 35,000 मिलेगा, सही है। और बहुत सारे वीडियो में देखा मैं इसका बाद, ये वीडियो का लास्ट में मैं आपको मैं कैसे इधर रहता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे कंपनी हमको रखा है, कहाँ काम करता हूँ, सब इसमें एक वीडियो में छोटा वीडियो उसमें ऐड कर दूंगा, आप लोग मेरा टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप लोग देख सकते हैं, सही है। तो मेरा बोलने का है कि बहुत सारे आदमी टेंशन लेता है, साला हम लेबर में जाएंगे, एक इंजीनियर हो के हमारा क्या वैल्यू रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगा, हम जाके उधर इतना मुश्किल में हार्ड वर्क करना पड़ेगा इतना गर्मी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेंटेनेंस फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आ रहा है ना, आपको धूप देखना ही नहीं मिलेगा। आप सुबह जाएंगे एसी का अंदर काम करेंगे और शाम को आएंगे तब तक धूप चला गया होगा, सही है। तो ऐसा आपको फैसिलिटी मैनेज कंपनी में भी इतना भारी काम नहीं रहता है, सिर्फ रिपेयरिंग काम रहेगा, सिर्फ तोड़का भी कुछ ख़राब हो गया तो रिप्लेसमेंट रहेगा, ज़्यादा तरफ आपको बैठ के आराम से ही ड्यूटी करना पड़ेगा, कोई भाग दौड़ो भारी काम करना नहीं पड़ेगा। तो उसी जगह पे आपको 6 महीना 1 साल निकल देगा, आपको पता नहीं चलेगा मेरा 1 साल यहाँ निकल गया है, और 1 साल का बाद आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, आपको वही कंपनी प्रमोट नहीं कर रहा है, प्रमोशन नहीं कर रहा है, तो आप दूसरा इंटरव्यू इधर से इधर इंटरव्यू दे के 5,000 सैलरी में आप जा सकता है। तो मेरा बोलने का है 1 साल इधर आप वेस्ट करेगा, वेस्ट तो नहीं है, उसका भी सैलरी आपको मिलेगा, वो भी इंडिया का इंजीनियर का सेम सैलरी आपको मिलेगा, और उसका बाद आपको यहाँ 5,000 सैलरी जब हो जाएगा तो 1,20,000 हमारा मुल्क का हो गया। तो सोचिए 1,20,000 आपको वहाँ मिलेगा 5 साल का अंदर, 5 साल छोड़िए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 1,20,000 इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो मेरा वही बोलना है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग टैलेंट बढ़ाइए, अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में बहुत जॉब है, बहुत कंपनी अभी इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है, और जिसको इंटरव्यू उधर नहीं मिल रहा है वो विजिट लेके इधर आ जाए, बहुत सारे आदमी विजिट लेके आया इधर, थोड़ा 1 महीना 2 महीना मेहनत किया, पूरा जॉब ढूंढा, बहुत मतलब खर्चा भी किया, और उसके बाद उसको जॉब मिल गया तो फिर उसका हो गया टेंशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
विजिट में आ जाइए। विजिट में आके इधर आपको जॉब ढूंढना है। जॉब ढूंढने का बहुत सारे कंपनी, हर कंपनी में जाने का, ऐसा नहीं है कि उसका वैकेंसी रहेगा तभी हम जाने का। जितना फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है वो कंपनी में ज़्यादातर मेंटर ऐसा नहीं रहता है कि इंटरव्यू होएगा तो आदमी आएगा, बीच में भी आदमी आता रहता है। उसके हेड ऑफिस में जाएगा, अपना सी वी देगा, अपना ई मेल देगा, अपना नंबर मोबाइल नंबर दे के आएगा। उसको ज़रूरत है तो वो नेक्स्ट हफ्ता या उसी टाइम भी आपको बोलेगा आपको ये तारीख को इंटरव्यू है, आप आ जाने का। वो एक एक आदमी लेता है, एक बार में 500 आदमी नहीं लेता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, अच्छा क्वालिटी का आदमी को लेता है, जो उसको टैलेंट है उसी आदमी को लेता है। तो इसके लिए धीरे धीरे वो आदमी को कंपनी में डालता है, सही है, जब उसको अच्छा अच्छा आदमी मिल जाता है। तो हर ऑफिस में जाइए, हर कंपनी के ऑफिस में जाइए और ऑफिस को बोलेगा ऑफिस किधर है, इधर आ जाने के बाद सब पता चल जाता है किस कंपनी का ऑफिस किधर है। और मेरा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बहुत सारे हमारा दोस्त लोग है जिसका जो जो कंपनी है वो कंपनी में हम लोग भी भेज सकते हैं, कंपनी में जाओ, उसका ऑफिस इधर है, उसका ऑफिस उधर है, सीधा जाओ। तो आप लोग जॉब मेहनत करेगा, एक दो महीना आपको मेहनत खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिल गया तो फिर उसका आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं है तो आपको ये उधर जिधर जो मुंबई में है, महाराष्ट्र का अंदर है, वो मुंबई जाइए, जिसको मुंबई नज़दीक है जिस स्टेट को, तो मुंबई जाके उधर साउंडलाइन ऑफिस है, बहुत और भी ऑफिस है लेकिन साउंडलाइन बहुत बड़ा ऑफिस है, अच्छा ऑफिस है। वहाँ वो लोग सही कंपनी में आदमी को भेजता है, ऐसा नहीं है कि किधर छोटा मोटा कंपनी में भेज के आदमी को फंसा देता है, अच्छा कंपनी में वो लोग भेजता है। जो लखनऊ में है, यूपी का अंदर, बिहार का अंदर, अगल बगल में कलकत्ता में भी ऑफिस है, हर स्टेट में ऑफिस है, तमिलनाडु में है, केरला में है। आपको अपना स्टेट का इंटरव्यू नहीं आ रहा है, आप दूसरा स्टेट में जाकर ट्राई कीजिए, बैंगलोर चला जाइए, बैंगलोर जाके उधर लोकल भी कंपनी है, शोभा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है, उसमें काम करिए और काम करते करते इंटरव्यू फेस कीजिए। और इंटरव्यू करने का टाइम आपको जॉब मिल गया, वो जॉब छोड़ के आप यहाँ आ जाने का। और आप इंजीनियरिंग करके 2 साल घर में बैठेगा, 1 साल घर में बैठेगा और उसका बाद बोलेगा हमको जॉब नहीं मिल रहा है, आपका टाइम चला गया, समझ रहा है। तो वही टाइम के अंदर आप कुछ बन सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं। चलिए आप इधर गल्फ में आना नहीं चाहते, आपको परमानेंटली इंडिया में ही करना है, आप पढ़ा लिखा किया है, आप सोच के बोल रहा है मैं इतना एजुकेटर आदमी हूँ, मैं बाहर गल्फ नहीं जाता हूँ, मैं पूरा अपना मुल्क में काम करना चाहता हूँ, लेकिन फिर आपको वो सैलरी नहीं मिलेगा, आपको सैलरी कम मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 साल 3 साल के लिए यहाँ आ जाइए, इसके बाद आप छोड़ के फिर वहाँ भी जाकर जॉब कर सकते हैं, आपको काम का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा और कुछ पैसा भी बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद आप वहाँ कम सैलरी में भी आपको जॉब मिल जाएगा, फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर चीज़ चलेगा। तो मेरा बोलने का ये है कि आप लोग अभी कंस्ट्रक्शन को छोड़ के जो भी इलेक्ट्रिकल में कोर्स किया है, जो भी मैकेनिकल में कोर्स किया है, वो सब लोग को तीनों काम मालूम होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर है वो प्लम्बिंग और HVAC का ऊपर थोड़ा नॉलेज बढ़ाए, और उसका बाद फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आइए, उसको डायरेक्ट सुपरवाइजर में उसको मिल जाएगा। और आप बोल रहे हैं कि हमको यहाँ कोई ऐसा चांस नहीं है कि हमको फैसिलिटी में MAP का काम पूरा सीखने के लिए करने के लिए यहाँ कोई ऐसा फील्ड नहीं है, तो हम क्या करें। तो इसी वो जगह पर आप सीधा जो ट्रेड में आप है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, उसी ट्रेड में टेक्नीशियन में आ जाइए। या आपको सुपरवाइजर का मिल रहा है तो आइए, सुपरवाइजर का मिलेगा नहीं क्योंकि आपको गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे को जितना मालूम है कि सुपरवाइज़र का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कोई एक कंपनी कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगा तो एक उठाएगा, वो भी सैलरी सुपरवाइज़र का नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, वो लेकर आएगा, लेकिन वो बहुत कम है। इससे अच्छा है कि आप टाइम वेस्ट मत करो, सीधा टेक्नीशियन में आ जाओ, टेक्नीशियन में आकर इधर 6 महीना काम करो, 6 महीने अंदर आपको पूरा इधर का हर चीज़ मालूम हो जाएगा, उसका बाद आपका खुद का खुद प्रमोशन हो जाएगा, नहीं होगा 1 साल बाद आप रिजाइन मारो, दूसरा कंपनी में सीधा इधर जॉब करने का टाइम दूसरा कंपनी में इंटरव्यू मारते रहो, जब उसको उधर से आपको अपर लेटर मिल जाएगा, इधर रिजाइन मारने का, उधर जाकर ज्वाइन कर लेने का, तो आपको सबको मतलब उधर जब जाकर ज्वाइन करेगा सुपरवाइजर में, तब तक 6 महीना 1 साल का अंदर आप पूरा MAP का काम इधर समझ जाएगा, क्योंकि ये फील्ड में तीनों काम होता है, HVAC, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल। तो ये तीनों काम इसको आपको जब इधर टेक्नीशियन में मालूम हो गया तो आपका पहले से आपका इंजीनियरिंग है तो आपको सुपरवाइज़र में कोई भी ले लेगा। फिर सुपरवाइज़र में 2 साल 5 साल काम करने के लिए आप करने के बाद फिर आपका नॉलेज और बड़ा हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस और हो जाएगा, तो आपको इंजीनियर में फिर जॉब मिल जाएगा। तो मेरा बोलने का है कि छोटा से बड़ा आदमी होता है, बड़ा से बड़ा नहीं होता है। तो इसके लिए आप छोटा से आएगा टेक्नीशियन में, आपको ऑलरेडी आप एजुकेटेड है, आप क्वालिफिकेशन, आप कोर्स किया है, आपका पास सर्टिफिकेट है, तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप टेक्नीशियन में आ जाइए, फिर सुपरवाइज़र करिए, फिर इंजीनियर करिए। जब इंजीनियर आप करेगा, ये नीचे से आप उठ के ऊपर गया तो आप एक मजबूत स्ट्रांग इंजीनियर बनेगा, जिसका सैलरी 15,000-16,000 दिरहम आपको यहाँ का मिलेगा। तो आप सोचिए 1,000 दिरहम हमारा 20,000-22,000 हो रहा है, तो आपको 15,000-16,000 सैलरी कितना होगा, आप लाखों कमाएगा। और उसका बाद आपका फैमिली, आपका जो भी इधर भी सब कुछ फैसिलिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, हर चीज़, आपका बच्चा को इधर आपको शादी करके इधर आएंगे, बहुत सारे आदमी इंडियन में है शादी करके उसका फैमिली को यहाँ रख रहा है, यहाँ बच्चा को पढ़ा रहा है,
तो यहाँ कमा के बैंक बैलेंस करके फिर फाइनली जब उसका बच्चा इधर कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ उसको भी जॉब मिल जाता है, नहीं तो उस टाइम वो चाहे तो अपना मुल्क भी जा सकता है, वैसा कोई नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा बोलने का है कि एक सुपरवाइज़र का गल्फ में एक फैसिलिटी मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र या इंजीनियर में आपको आना है तो आपको तीनों काम का जब तक नॉलेज नहीं होगा, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब लोग कोई भी आपको नहीं लेकर आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सीधा आ जाइए टेक्नीशियन में और टेक्नीशियन के बाद आप सुपरवाइज़र और इंजीनियर बन जाइए, सही है। तो चलिए, बहुत वीडियो बहुत लंबा हो गया क्यों, आपको डिटेल्स में आपको बराबर में फैक्ट बता रहा हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा बात करना पड़ता है। तो चलिए, आप लोग मेरा बहुत सारे वीडियो है जो आप लोग देखा नहीं है, तो आप लोग कमेंट्स में देता है कि हमको इसका बारे में बताइए, इसका बारे में बताइए, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए क्या होता है। तो हर चीज़ का गल्फ का बारे में जो हम लोग का फील्ड है, जो हम लोग का फील्ड बोलेगा तो हम लोग का जो टेक्निकल फील्ड है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस फील्ड है गल्फ में, तो वही हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। हमारा हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। आप लोग वहाँ जाइए, वो वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा, सही है। और इस वीडियो के बाद आपको कौन सा टाइप का वीडियो चाहिए, किस वीडियो के बारे में आपको देखना चाहता है, बात करना चाहता है, तो समझना चाहता है, मुझे कमेंट्स करेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, सही है। चलिए, थैंक यू सो मच।